श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित वानप्रस्थिगण, ब्रह्मचारीगण, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ईश्वर के कई नाम हैं, पर ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो ओम है। यद्यपि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, फिर भी चारों वेदों में जो प्रथम वेद माना जाता है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का भी जो प्रथम मंत्र है और प्रथम मंत्र का जो प्रथम शब्द है वो अग्नि है, अग्निमीढ़े। अग्निमीढ़े से प्रथम मंत्र की शुरुआत हुई है, अर्थात वेद की शुरुआत अग्नि शब्द से हुई है। यद्यपि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, पर ओम शब्द से वेद की शुरुआत नहीं हुई। अग्निम इड़े अर्थात अग्नि स्वरूप ईश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। स्तुति अर्थात उसको मैं यथार्थ रूप में जानने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, यथार्थ रूप में उसको मैं जानता हूँ। अब ओम शब्द को छोड़ करके अग्नि शब्द को रखा है, और वेद के अंदर ईश्वर के जितने भी विशेषण प्रयोग किए गए हैं उसमें सर्वाधिक प्रयोग जिस विशेषण का हुआ है वो अग्नि शब्द है। तो अग्नि शब्द का सबसे पहले भी प्रयोग किया और सर्वाधिक भी प्रयोग हुआ है, तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। तो जो कारण मेरी समझ में आया वो आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। अग्नि शब्द का अर्थ है अग्रे नयतीति, अग्नि जो आगे ले जाता है। अब क्योंकि वेद का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए है और मनुष्य में आई हुई जीवात्मा सदैव ये चाहती है कि मैं सदैव आगे बढ़ूं, मेरी हमेशा उन्नति हो, सदैव में मेरी प्रगति हो। तो प्रगति क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य है, कोई भी आत्मा हो मनुष्य मात्र में आई हुई, मनुष्य योनि में आई हुई, वो चाहती है कि मेरे पास बल है, जितना भी बल है उसको मैं और बढ़ाऊं। मेरे पास यदि धन है तो मैं उसको और बढ़ाऊं, मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसको और बढ़ाऊं, मेरे पास रूप है तो वो भी बढ़ जाए, मेरे पास जो भी संपत्ति है वो बढ़े। हमेशा वो चाहती है कि वो मेरे पास जो भी सामर्थ्य है वो बढ़े, हमेशा वो अग्रे बढ़ना चलना चाहती है। तो अब बढ़ना है, अपना सामर्थ्य थोड़ा है, अल्प सामर्थ्य वाली है आत्मा, तो क्योंकि उसका सामर्थ्य थोड़ा है और इसकी इच्छा है कि मैं सदैव आगे बढ़ूं, तो उसको किसी का सहारा चाहिए। और जैसे वो अल्प सामर्थ्य वाली है वैसी दूसरी आत्मा भी है, दूसरी भी वैसी अल्प सामर्थ्य वाली, तीसरी भी वैसी अल्प सामर्थ्य वाली, और अपने आप को भी देखती है कि मैं दूसरों को कितना सहयोग कर सकती हूँ, दूसरी आत्मा उतना ही मेरा सहयोग कर सकती है क्योंकि वो भी मेरे जैसी ही है। तो अपने आप को वो देख करके ये निर्णय निकाल लेता है आत्मा कि जैसे मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूँ और दूसरे की उन्नति में मैं पूरा सहयोग नहीं कर सकता हूँ, तो वैसे ही दूसरा भी मेरी उन्नति में पूरा सहयोग नहीं कर सकता है, पर फिर भी इच्छा है उसकी कि मैं आगे बढ़ूँ। तो अब इस इच्छा की पूर्ति के लिए कोई है होना चाहिए संसार में जो इस इच्छा को पूरा करे, तो वो फिर एक ही सत्ता बच जाती है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर का यही
गुण कहें या ईश्वर का ये कर्म कहें कि वो आगे बढ़ाने वाला है, तो वो ईश्वर के स्वरूप को जानता है। अग्नि मिले ईश्वर के स्वरूप को जानने की कोशिश करता है कि ईश्वर आगे बढ़ाने वाला है तो कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला है तो शब्द से पता चला कि अग्निम शब्द कहा है उसका मतलब है कि ईश्वर आगे बढ़ाने वाला है। तो अब उसको ये जानना है कि आगे बढ़ाने वाला है तो वो कैसे बढ़ाएगा। तो लोक में अग्नि केवल ईश्वर को भी नहीं कहा जाता, अग्नि भौतिक अग्नि है जो चूल्हे में भी है, जो यज्ञशाला में हमने यज्ञ कुंड में जलाई थी उसका नाम भी अग्नि है। अब उसको समझना है कि अग्नि आगे बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ाएगा। तो क्योंकि अब दोनों का नाम अग्नि है, ये भी अग्नि है ईश्वर भी अग्नि है, तो एक ही नाम है दोनों का, तो उसमें कुछ न कुछ समानता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो वो देखता है कि ये अग्नि के अंदर जो द्रव्य डालता है वो इसी अपेक्षा से डालता है कि वो आगे बढ़ जाए, जहां तक वो पहुंचाना चाहता है वहां तक पहुंच जाए, इस अपेक्षा से वो अग्नि में द्रव्य डालता है और वो उसकी अपेक्षा ये भौतिक अग्नि पूरा करता है। तो ये भौतिक अग्नि जो है वो उसकी अपेक्षा को कैसे पूरा करता है उसने देखा, क्योंकि उसको अग्नि मिले ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को, अग्नि स्वरूप को उसको जानना है। तो जानने की ये भी एक प्रक्रिया है कि उसने इस अग्नि को देखा, क्योंकि ये भी अग्नि है वो भी अग्नि है, ये जिस तरह से अग्नि वस्तुओं को आगे बढ़ाता है उसी तरह से वो अग्नि भी उस वस्तुओं को आगे बढ़ाएगा, जो भी उसके पास जाएगा उसको वो आगे बढ़ाएगा। तो ये भौतिक अग्नि वस्तु को कैसे आगे बढ़ाता है कि इसके अंदर हम जो भी द्रव्य डालते हैं वो द्रव्य यदि अग्नि को समर्पित हो जाता है, अग्नि के रंग में रंग जाता है, वो द्रव्य तो बढ़ करके आगे पहुंच जाता है, पर जो द्रव्य घृत है चाहे सामग्री है अग्नि के रंग में रंगे नहीं है, अग्नि को जो समर्पित हुए नहीं है वो यज्ञ कुंड में ही रह जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो इस यज्ञ की अग्नि से उसने देखा कि अग्नि तब बढ़ाता है जब वस्तु अपने आप को समर्पित कर देती है, अग्नि के रंग में रंग जाती है, तो बस वही सिद्धांत वहां काम करेगा। वो भी अग्नि स्वरूप है, वो भी आगे बढ़ाने वाला है, पर वो कब आगे बढ़ाएगा कि जब आत्मा जीवात्मा उस अग्नि स्वरूप परमात्मा को समर्पित हो जाएगा, उसके रंग में रंग जाएगा, उस स्थिति में वो अग्नि स्वरूप परमात्मा जीवात्मा को भी आगे बढ़ा देगा, जिस कामना से वो उसके समीप जाएगा उस कामना को वो पूरी करेगा, उसमें उसको उन्नत कर देगा। अब ये पता चला कि ये अग्नि स्वरूप परमात्मा जीवात्मा को बढ़ाने में समर्थ है, और कैसे बढ़ाता है तो वो प्रक्रिया भी पता चली कि समर्पण करेंगे तो वो हमको आगे बढ़ाएगा। अब प्रश्न ये है कि उसको समर्पण कैसे करे, समर्पण तो करना है पर उसको समर्पण कैसे करे, ये शैली जब तक पता नहीं चलेगी तब तक समर्पण हो नहीं सकता। तो अब जानना ये है कि उस अग्नि स्वरूप परमात्मा को मैं समर्पण कैसे करूं। तो उस वो शैली जो हमको ये सिखाती है कि ईश्वर को अग्नि स्वरूप परमात्मा को समर्पण कैसे करना है, उस शैली का नाम है अग्निहोत्र। अभी हमने अग्निहोत्र का कार्य संपन्न किया था। ये अग्निहोत्र वही शैली है जो हमको बताती है कि हम अग्नि को समर्पण कैसे करें। अग्नि है ही अग्नि स्वरूप परमात्मा, होत्र माने समर्पण, आहुति अपने आप को आहुत कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। अग्नि को हम कैसे समर्पित हुए उसकी शैली है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के तीन उद्देश्य गोष्ठी में, यज्ञ गोष्ठी में सिद्ध की निर्धारित किए थे स्वामी दयानंद जी के मंतव्य के अनुसार, उनके ग्रंथों के अनुसार। एक तो था कि बाह्य वातावरण की शुद्धि, अग्निहोत्र क्या करता है, बाह्य वातावरण को शुद्ध करता है, उसमें जो हम घृत और औषधियां डालते हैं उससे बाह्य वातावरण शुद्ध होता है। दूसरा उद्देश्य था शारीरिक वृद्धि, क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा तो उस शुद्ध वातावरण से शुद्ध पदार्थों का सेवन करके हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, तो एक बाह्य वातावरण से भी शारीरिक सामर्थ्य बढ़ेगा। और तीसरा उद्देश्य था आत्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति भी इसी अग्निहोत्र से होती है, वो तभी होगी जब हम अग्नि को समर्पण करेंगे।
तो ये अग्निहोत्र ईश्वर की प्राप्ति भी कराता है। उसका मतलब है कि ये अग्निहोत्र हमको इस शैली बताता है कि ईश्वर हमको कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर को समर्पण। तो ईश्वर प्राप्ति का एक मुख्य उपाय जो है वो ईश्वर समर्पण है। तो इस अग्निहोत्र में अब हमको ये देखना है कि अग्निहोत्र हमको समर्पण की शैली कैसे सिखाता है, किस तरह से हमको समर्पण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आचमन करते हैं, यहां पर संकल्प करते हैं। ये इसमें थोड़ी भिन्नता है, कभी संकल्प पहले भी किया जाता है, कहीं संकल्प बाद में भी करते हैं, पर ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सबसे पहली प्रक्रिया है आचमन की। आचमन हम जल से करते हैं। जल शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आचमन करते हुए हमारी भावना क्या होनी चाहिए, समर्पण की प्रक्रिया अब शुरू होती है कि समर्पण करना है तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। हमारा आंतरिक जगत शुद्ध होना चाहिए, अर्थात हमारा मन शुद्ध हो। ये आचमन की प्रक्रिया से हमको शिक्षा दी जाती है कि सबसे पहले तो आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, मन हमारा शुद्ध होना चाहिए। आज तक मैं जो भी था, जैसा भी था, जिस तरह भी जी रहा था, पर आज मैंने संकल्प किया है, आज मेरी इच्छा हुई है कि मैं ईश्वर को समर्पण करूं, क्योंकि मुझे बढ़ना है और बढ़ने के लिए मेरी सामर्थ्य कम पड़ रही है, तो अब मुझे ईश्वर से सामर्थ्य लेनी है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है कि आज तक मैं जो भी था, अब मुझे अपने आप को निर्मल करना होगा, अपने आंतरिक व्यवहार को शुद्ध बनाना होगा, मेरा मन निर्मल होना चाहिए, सबसे पहली आवश्यकता है। आचमन के बाद अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श ये बताता है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। मन तो स्वस्थ है पर शरीर स्वस्थ नहीं है तब भी ईश्वर समर्पण में बाधा होगी, हम अंत तक पहुंच नहीं पाएंगे। यात्रा लंबी है, बढ़ना है तो इतनी आसान यात्रा नहीं है उन्नति की यात्रा। तो यदि हम चाहते हैं हमारी यात्रा में हम अंत तक पहुंच जाए, हम प्रगति के अंतिम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लें, तो मन की शुद्धि के साथ साथ शारीरिक सामर्थ्य भी चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। दोनों होंगे तब यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये तो हो गई मन की शुद्धि, उसके बाद हो गया अंग स्पर्श जिसने हमको प्रेरणा दी कि हमको प्रतिदिन देखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। यदि स्वस्थ नहीं है तो देखना है कि कहाँ क्या कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं है कि हम रोज अग्निहोत्र करते रहेंगे और इस तरह की भावना करते रहेंगे और हम अंत तक पहुंच जाएंगे। प्रार्थना विचार तब सहयोग देते हैं हमको जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, क्रियान्वित करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ये जो भावनाएं हमको मिलती हैं अग्निहोत्र के माध्यम से, उसको जीवन में क्रियान्वित करना है। तो जब अंग स्पर्श करते हैं तब हमको ये भावना बनानी है कि मेरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। एक एक अंग को हम मंत्र के साथ साथ देखते जाना है और देखना है कि किस अंग में कमी है। उपलक्षण है, यहाँ तो जितने अंग बताए वो उपलक्षण है, पूरे शरीर को देखना है और जहां पर कोई कमी आ जाए उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। अब मन शुद्ध हो गया, शरीर भी समर्थ है, सामर्थ्य वाला है, स्वस्थ है, तो अब क्या करना है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हम बोलते हैं। कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो हमसे जो सामर्थ्य वाला है उसका सहयोग हमको लेना चाहिए। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, साधन इकट्ठे कर लिए और अब हमारी कोई गलती नहीं होगी, हम भटक नहीं जाएंगे। अल्प सामर्थ्य वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, पूरे भटकने के कई अवसर आ सकते हैं, हम भटक भी सकते हैं, तो किसी सामर्थ्य वाले को हमें समर्पण करना चाहिए। और पूर्ण सामर्थ्य वाला तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर को साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो शुभ कर्म, क्योंकि ये हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं, हम अपने आप की उन्नति की प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। शास्त्र के अंदर दो याजिक बताए हैं, यजन करने वाले दो व्यक्ति है, एक तो है देवयाजी, दूसरा है आत्मयाजी। तो जो आत्मयाजी है उसको श्रेष्ठ माना है, यज्ञ करने वाले में जो आत्मयाजी है, जो आत्मा के लिए यजन करता है वो श्रेष्ठ है। आत्मा के लिए यजन करने का मतलब क्या है कि वो देखता है हर एक क्रिया के साथ कि इस क्रिया से मुझे क्या लाभ हो रहा है, जिस क्रिया से उसको लाभ नहीं हो रहा है उस क्रिया को उसको नहीं करना है। तो यहाँ पर भी हमको देखना है कि जो ये सब क्रियाएं चल रही है उससे मुझे क्या लाभ हो रहा है। तो
हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी एक कमी है, वो कमी ईश्वर पूरी करने में समर्थ है, क्योंकि ईश्वर अग्नि मिले, ईश्वर का स्वरूप पहले ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उसका सहयोग ले सकते हैं। तो इसके अंदर ईश्वर का स्वरूप बताया हुआ है कि ईश्वर कैसा है, तो उसका चिंतन करते हुए उसे समर्पण करता है और इससे प्रार्थना करता है कि जहाँ भी मेरी सामर्थ्य की कमी आ जाए वहाँ ईश्वर मुझे सहयोग करना, जिससे कि मेरी यात्रा रुके नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊँ। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र के बाद हम अग्नि प्रज्वलन करते हैं, अग्नि को जलाते हैं। अब जो ये मेरी अग्नि जल उठी है कि मैं आगे बढ़ूं, उस अग्नि को, वो आज उठी है, उस अग्नि को अब मुझे बनाए रखना है, उस अग्नि को बढ़ाना है। केवल बनी रहेगी जितनी अब, क्योंकि सबसे जब उठती है तब तो छोटी ही होती है, उतनी अग्नि अभी पूर्ण नहीं है मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाने के लिए। अग्नि तो जलाई, जलाने के बाद फिर उसको आगे घृत और समीढ़ा के माध्यम से हम उसको बढ़ाते हैं। तो पहले तो अग्नि जलाई, संकल्प किया, दृढ़ता की कि बस अब तो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उस अग्नि को फिर हमें बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कैसे, हमको प्रतिदिन स्वाध्याय करना होगा। यहाँ पर जो हम अग्नि को बढ़ाते हैं वो घृत और समीधा से बढ़ाते हैं, पहले समीधा दान करते हैं फिर पंच घृत आहुतियां देते हैं। उसका प्रयोजन यही है कि अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। तो अब जो मेरे में अग्नि जली है उन्नति की, आगे बढ़ने की, उस अग्नि को मुझे प्रज्वलित रखना है, प्रज्वलित रखना है और बढ़ाना भी है, उतनी प्रज्वलित होनी है कि वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। तो अब उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन मुझे आत्मनिरीक्षण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है कि जो जो बाधक है मेरी उन्नति में उसको मैं हटा रहा हूँ कि नहीं, और जो जो साधक है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना है। और इस जो जो हटाने योग्य है, जो जो बाधक है उसको हटाना है और जो जो साधक है उसको ग्रहण करना है। यदि इस प्रक्रिया को मैं करता हूँ तो मेरी ये अग्नि बढ़ती जाएगी, वो बुझेगी नहीं, वो प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे अग्नि बढ़ती जाएगी व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। स्वाध्याय हो गया, आत्मनिरीक्षण स्वाध्याय, सतत अपना अध्ययन करना है। अग्नि प्रज्वलित हो गई, अब अग्नि प्रज्वलित हो गई उसके बाद हम जल प्रसेचन करते हैं। जल प्रसेचन के अंदर दिशा हमारी निश्चित है, जो भी हम जल प्रसेचन करते हैं या तो वो उत्तराभिमुख होता है या तो वो पूर्वाभिमुख होता है। एक आलंकारिक वर्णन है कि पूर्व दिशा में क्योंकि सूरज उगता है इसलिए वो प्रकाश की दिशा मानी जाती है, और पश्चिम में क्योंकि सूरज अस्त होता है इसलिए उसको अंधकार की दिशा के रूप में माना जाता है। प्रतीक है भावना को बढ़ाने के लिए। उत्तरायण में क्योंकि दिन बड़े होते हैं इसलिए उत्तर की दिशा भी प्रकाश की मानी जाती है, और दक्षिणायन में क्योंकि दिन छोटे होते हैं, प्रकाश कम होता है, प्रकाश का जो समय होता है वो कम होता है, इसलिए उसको अंधकार की दिशा मानी जाती है। अब यज्ञ में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी वस्तु आदि रखते हैं, बड़े बड़े जो कर्मकांड होते हैं उसमें वस्तु रखने की जो शैली है या तो वो पूर्वाभिमुख होती है या तो वो उत्तराभिमुख होती है, क्योंकि पूर्व की दिशा भी प्रकाश की है, उत्तर की दिशा भी प्रकाश की है। तो इस तरह से हम जल प्रसेचन करते हैं तो हम या तो उसको पूर्वाभिमुख करते हैं या तो उसको हम उत्तराभिमुख करते हैं। पूर्व या पश्चिम में करते हैं तो उत्तराभिमुख करते हैं, और दक्षिण में पूर्व और पश्चिम में करते हैं तो उत्तराभिमुख होता है, उत्तर में करते हैं तो वो पूर्वाभिमुख होता है, और उसके बाद फिर हम ईशान कोण से लेकर के वापस ईशान कोण तक जल प्रसेचन को समाप्त करते हैं। तो पहले तीन जो जल प्रसेचन है, जो पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख हो रहे हैं, वहां हमारी भावना क्या है कि आखिर है हूं तो मैं इंसान, अल्प सामर्थ्य वाला हूं, तो यद्यपि मैंने ईश्वर से भी प्रार्थना की है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, साधन भी मैंने जुटाए हैं, ईमानदारी से चल रहा हूँ, पर क्योंकि मेरे पीछे के भी संस्कार हैं, वो संस्कार हो सकता है संस्कार वशात मेरी अल्प सामर्थ्य के कारण मैं कभी भटक भी सकता हूँ, यद्यपि चला हूँ प्रकाश की दिशा में, माने मेरी हर क्रिया पहले तीन जो जल प्रसेचन है वो तो प्रकाश की ओर हमको ले जाए, उसके प्रतीक के रूप में करते हैं कि ईश्वर ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं मेरी पूरी सामर्थ्य लगाते हुए, मेरे पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए मैं सतत प्रकाश की ओर आगे बढ़ता रहूं। अब तीसरा जो चौथा जो जल प्रसेचन करते हैं वो हम ईशान से शुरू करके वापस ईशान कोण, माने पूर्व और उत्तर का जो कोना है,
जो पूर्ण प्रकाश का कोना है, वहां अंधकार बिल्कुल नहीं है। वो पूर्ण प्रकाश के कोने से शुरू होकर के वापस हम पूर्ण प्रकाश के कोने तक जल प्रसेचन को समाप्त करते हैं। वहां हमारी भावना क्या है, यद्यपि मैं अपनी सामर्थ्य से अपने बुद्धि बल से आगे बढ़ रहा हूँ, ईश्वर को भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शास्त्र के अनुसार चल रहा हूँ, फिर भी अल्प सामर्थ्य है मेरा, मेरे पिछले जन्म के संस्कार भी हैं, कर्म भी हैं, उसके कारण हो सकता है कभी मेरी गति अज्ञान की ओर बढ़ जाए, अंधकार की ओर बढ़ जाए। तो वहां हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कृपा ऐसी करना कि यदि मैं अज्ञान की ओर अंधकार की ओर बढ़ भी जाऊं तो वापस मैं प्रकाश को प्राप्त हो जाऊं, केवल अंधेरे में न पड़ा रहूं, ऐसी मुझे सतत प्रेरणा करते रहना। यह हम जल प्रसेचन से इस भावना को अपने साथ जोड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जल प्रसेचन के बाद आगारावाज्य आहुति आती है। आगारावाज्य आहुति में यदि आगे जो भी हम देते हैं वो देवताओं के लिए देते हैं। आगारावाज्य आहुति में भी हम देवताओं को देते हैं आहुति, उसके बाद भी जो हम आहुतियां देंगे सामग्री की वो भी हम देवताओं को देते हैं। देवता माने जो हमको देते हैं, वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, जो भी हमको लोग, जहां से भी हमको सुख मिलता है, जो भी हमको सुख देते हैं वो हमारे लिए देवता है। तो ये आगे के जो मंत्र है वो हमको कहते हैं कि जो हमको देते हैं उसको हम, उनका ऋण हमको अदा करना है, चुका देना है। यदि हमारे ऊपर ऋण बना रहा, देने वालों का ऋण यदि बना रहा, तो भी वो ऋण भी बाधक बनेगा, वो ऋण हमको चुकाना है। तो वो उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको जो हमारे हमको देते हैं उनके प्रति हम अपना ऋण चुका देवें। फिर जब समय सामग्री की आहुति हम देते हैं तब हर मंत्र के साथ हम इदन्न मम, हर मंत्र के साथ बोलते हैं। इदन्न मम का अर्थ क्या है कि ये मेरा नहीं है। तो यहाँ पर व्यवहार तो चलाना है, जीवन जीना है, आए हैं तो खाना पीना, रहना पहनना, उठना बैठना सब होगा, लोगों से भी व्यवहार करना होगा, ऋण चुकाना है, लोगों से हमने लिया है तो देना भी पड़ेगा, व्यवहार होगा ही। पर हर व्यवहार के साथ हम में इदन्न मम माने अहंकार की भावना कम होती जानी चाहिए। हमको कोशिश करनी है कि हमारे व्यवहार में अहंकार की भावना कम होती जाए, इस तरह का हमारा चिंतन होना चाहिए, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये इदन्न मम की भावना हमको अहंकार कम करने की शिक्षा देती है। और ये अहंकार को कब तक कम करते जाना है, तब तक कम करते जाना है जब तक सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की भावना चरितार्थ हमारे जीवन में न हो जाए। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की भावना, वो शब्द क्या कहते हैं कि पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। अब अहंकार बिल्कुल भी नहीं रहा, पहले तो हम धीरे धीरे अहंकार को कम कर रहे थे, अब तब तक कम करना है जब तक वो पूर्ण रूप से आसक्ति छूट न जाए। अहंकार माने आसक्ति जो हमारी है, ममत्व की भावना है, अहम की जो भावना है, वो भावना जब तक हमारी छूट न जाए तब तक हमको ये अग्निहोत्र करना है। और जब तक सर्वम वै पूर्ण की भावना यदि जीवन में आ गई, सब कुछ समर्पित कर दिया, शत प्रतिशत समर्पण हो गया, शत प्रतिशत अहंकार हमारा छूट गया, व्यवहार तो होगा पर अब अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार छूट गया, उस समय समझना चाहिए कि हमारा अग्निहोत्र अब समाप्त हुआ। तब तक अग्निहोत्र हमको करना है, और जब जब भी अग्निहोत्र करेंगे तब तक हमको निरीक्षण करना है कि इसमें जो जो भी प्रक्रिया करते हैं, यद्यपि हर प्रक्रिया के साथ एक एक मंत्र जुड़ा हुआ है, वो मंत्र भी एक उपदेश देता है, ये तो बहुत मोटा रूप है अग्निहोत्र का। उस मंत्र के अर्थ हमको पता होना चाहिए, वो मंत्र के अर्थ हमको क्या उपदेश करते हैं वो भी हमको साथ में जोड़ना है, तो उससे और सूक्ष्मता आएगी। तो ये तो मोटा प्रारूप था अग्निहोत्र का कि अग्निहोत्र कब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि समर्पण पूर्ण न हो जाए। जिस दिन हमारा समर्पण पूरा हो गया उस दिन अग्निहोत्र करने की फिर हमको जरूरत नहीं है। तो ये अग्निहोत्र की प्रक्रिया बताती है कि इस तरह से यदि हम समर्पण करते जाएंगे तो अग्नि स्वरूप ईश्वर में हम अग्नि के रंग में हम रंगते जाएंगे, और जैसे जैसे अग्नि को समर्पित होते जाएंगे, अग्नि स्वरूप ईश्वर के रंग में रंगते जाएंगे, वो ईश्वर वैसे वैसे जितना समर्पण करते जाएंगे उतना उतना हम ऊपर उठते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस दिन शत प्रतिशत समर्पण होगा उसी दिन हमारी उन्नति होगी, ऐसा नहीं है। जितना जितना समर्पण करेंगे उतनी उतनी उन्नति होती जाएगी, पर यदि हम चाहते हैं कि हमारी शत प्रतिशत उन्नति होवे तो अपेक्षित है कि हमारा समर्पण भी शत प्रतिशत होवे। तो ये अग्निहोत्र की भावना बाह्य शुद्धि तो करती ही करती है, पर इस अग्निहोत्र की प्रक्रिया से
हमको ये भी पता चलता है कि हम अग्नि स्वरूप परमात्मा को समर्पण कैसे करें और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। तो ये अग्निहोत्र के आंतरिक उन्नति अग्निहोत्र के माध्यम से कैसे होती है, ईश्वर की प्राप्ति अग्निहोत्र के माध्यम से कैसे होती है, उसकी एक मोटी रूपरेखा आपके सामने रखी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। Yeah.